वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे लग गए मस्ती करने में, बहन के बेटे को बना दिया है लड़की, ये देखिए। और वो भी बनने में पूरा ही तैयार बैठा है कि उसे मेकअप करवा दिया जाए और वो कर ले। बेटी का टॉप है जो इसकी फ्रॉक बन गई है एक तरीके से। अंजू का टॉप तेरे लिए फ्रॉक बन गया बेटा। अपने पापा को रहने दे, बहुत है भाई, बहुत है। बहुत सुंदर बनाएंगे, फिर नानी के यहां लेके जाएंगे इसे। नैतिक कैसे लग रहे है? तो लड़की बन गया बाबू। ये किसका कपड़ा है? अंजू का है। अंजू का ऐसे वाली ड्रेस कर लो, ऐसे वाली। उसको पसंद नहीं है। ये उसको पसंद नहीं है। आज दोनों बेटियों ने एक आविष्कार किया है, एक लड़के को लड़की बना दिया गया है। नैतिक नैतिक निकिता बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये कोविड-19 के पेशेंट निकले हैं हमारी गली में, तो उसी के लिए ये आए हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से, ये अभी 11 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो ये सैनिटाइज़र करेंगे उनको, उनके घर को पूरे पैक हो गए हैं, और गली को भी किया है इन्होंने। जो दूसरे आए थे इनके साथ वो गली कर रहे थे, और यहाँ तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो है पेशेंट अंदर, बिठा दिया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है दोपहर को, वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में बहुत ज़्यादा ही हो गया है। हमारी गली को सील कर दिया गया है पूरा, इधर से इधर तक, मतलब हमारे मेरे साथ के जो 2-3 घर हैं उनको छोड़ के बाकी का घर पूरा सील कर दिया है। और काफ़ी सारी पुलिस आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। पहले तो लगा कुछ हो गया है, लेकिन बट जब बाद में पता लगा कि ये गली को सील करने आए हैं, और शुक्र अदा करते हैं भगवान का कि वहीं तक की हुई है। नहीं तो जितने लोग भी अभी इस घर में पैक हैं वो तो बिल्कुल भी बाहर निकल नहीं सकते हैं, उनका कोई भी सामान आ रहा है पुलिस वाले ही पकड़ा रहे हैं। और जब मैं ये वॉइस डाल रही हूँ तो एक दिन पहले की ये वीडियो है, और 3 शिफ्टों में पुलिस वालों की ड्यूटी लग रही है, मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में, 3 शिफ्टें हैं पुलिस वालों की। और इसके बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मैं तो सो गई थी। फिर अभी शाम को उठी हूँ, छत पे गेहूं डाला था, क्योंकि उससे पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं। और दिल्ली में तो बारिश बिल्कुल ही नहीं रहेगी, नाम के लिए सावन का महीना है, लेकिन यहाँ पे सावन दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। तरस गए हैं बारिश में नहाने के लिए। एक दिन रात को आई थी बारिश, लेकिन रात को क्या सोने के बीच में उठेंगे नहाने के लिए, तरस गए हैं बारिश में नहाने के लिए। तो मैंने कहा चलो, जब बारिश के डर से ही पहले कितना सारा गेहूँ साफ़ करके धो के डाल दिया था, अब जो बचे घुसे हैं वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमें 3-4 महीने लगातार डबल मिला था, जो कि इतना यूज़ होता नहीं है। तो धो धो के रख दे रहे हैं, जब पिसवाना होगा तो थोड़ी बहुत धूप लगाई और पिसवा लिया जाएगा। और अब गेहूं का काम मुझे थोड़ा अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी स्टॉल को संभालते हैं। तो मेरे को होता है कि फिर मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँ तो ठीक है, मम्मी तो इकट्ठे ही 20-25 किलो करवा लेते हैं, वो फटकारने लग जाते हैं और मैं फिर साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे अकेले ही करना है तो फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। ये 10 किलो के समथिंग है गेहूँ, और मेरे लिए आरामदायक है, चाहे मैं इसे 10 दिन पर लेके बैठ जाऊँ, 10 किलो धो लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर 10 किलो धो देती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, हफ्ते में एक बार ऐसे कर लेती हूँ। और कामों के बीच में ये भी होता रहता है, क्योंकि स्पेशली अगर इनके लिए सोचेंगे टाइम निकालना तो नहीं निकलता है। तक ये कवर चढ़ाने हैं, अभी थोड़ी देर में चढ़ाऊंगी। इधर लगा रखी है मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए। ओनो पानी गिर रहा है, और पानी आ रहा है इस टाइम, इसीलिए अभी लगा दिया मैंने। और इधर ये सारे बर्तन पड़े हैं, आज दोपहर से मैंने कोई काम नहीं किया है। एक्चुअली मैं दोपहर को गई थी सो, थोड़ा सा हेडेक था, हेडेक ये मेरी गर्दन के लिए, ये चीज ना मेरी स्वेलिंग में आ जाती है इसलिए। वो बता तू कितने? 8 मीटर। 8 मीटर नहीं, 8 इंच का होगा। 8 मीटर होता है कितना होता है? अरे वही इंच। मास्क बनाना है? हाँ। तेरा नाप का मास्क 60 इंच का बनेगा कोई? हाँ, मैं जिसकी देख रही हूँ उसमें सब कुछ बता रहा था, उसने एडल्ट का इतना, इसका इतना, और चाइल्ड का। मैंने इतने बना रखे हैं, वो 8 इंच का तो नाना पापा का बना रखा है, अपना बना रखा है मैंने। उसने तो ये बोला था मुझे अपना बनाना है ना बस। हाँ। तेरा काट के दे देती हूँ मैं, बाकी मैं उसी के स्टेप फॉलो। पंखा बंद कर, पंखा बंद कर फटाफट। बंच का गोल 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 गोल। कपड़ा कटवा रही है, ये मास्क बनाएगी मैडम जी, जो हमने बना के दिए हैं वो तो खो दिए।
छोड़ दे वो टूट जाएगा अंशु, मत छेड़ा कर, जो ऐसे काम की चीज है ना उसे मत छेड़ा कर। ओ मुझे लगा फट गया। तो ये बन गया इसका गोल गप्पा, ये ले जाओ ये ले। और ये सारी उठपटांग चीजें फेंक दियो, ये लेके जाओ डस्टबिन में डालियो, डस्टबिन से बाहर नहीं गिरना चाहिए। ये कर दिया, ये प्रेस किया है, प्रेस उठा, छोड़ के चली जाती है जब मर्जी। हाँ बेडशीट भी उठा, क्या क्या निकल रहा है जा दिखा, इस चक्कर को दिखा, ज्यादा गर्म तो नहीं। नीचे चला रही है मशीन। हाँ कैंची भी मेरी मशीन के उसमें रख के ही कट में आया है कि हमारे इधर गली सील हो गया, हाफ गली हुई है, हाफ से भी कम तीन घर लेके गली सील करी है उन्होंने। एक फैमिली के चार लोगों को कोरोना हो गया है, जिसमें एक आंटी है 60 साल की और एक भैया है 25-30 साल के होंगे, उनका बेटा, बहू है और एक 1.5 साल का बच्चा है। सबके लिए टेंशन है लेकिन जो 1.5 साल का बच्चा है उसके लिए कुछ ज्यादा ही टेंशन है। और जब मतलब मैं तो अंदर घर में आराम से बैठी थी, मेरे हस्बैंड लंच करके गए हैं, मैंने कहा चल अभी बच्चे भी खा लेंगे तो मैं आराम से बर्तन वर्तन धो के फिर मैं मशीन लेके सूट सिलूंगी, कस्टमर का सूट था सिलने के लिए। और मेरी बेटी नीचे गई, उसने बताया बैल बजा के कि मम्मा ऐसे देखो इधर हो रहा है, और मैंने देखा है। उसके बाद से समझ लो मतलब मैं चाह के भी ना ये चीज अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। कपड़े सारे धुल गए हैं, मशीन सेट कर दी है, दो चदरे रह गई है, इसे बाद में डालूंगी छत पे ले जाके डालूंगी, इधर सारा भर गया है, ये एक के ऊपर एक डालना सही नहीं है। जो पहने थे कपड़े उससे भी धो दिए हैं, जब नहाने गई थी तभी धो दिए थे क्योंकि एक कपड़े फिर मशीन में पड़े रहे और वो गीले भी हो गए थे मेन ये। और ये तो दिल्ली की मानसून आ गया है और दिल्ली में पता ही नहीं मानसून कहाँ तक है, इतनी भी जो हमने बारिश का मजा लिया हो, बस कब कबार हल्का फुल्का आया है उसके बाद तो वैसे का वैसे ही मौसम है, गर्मी से मर रहे हैं इतना बड़ा। दिल्ली में सिर्फ दो ही सीजन रह गए, एक सर्दी और एक गर्मी, सर्दी भी बहुत कड़ाके की पड़ती है और गर्मी भी, बारिश बारिश तो यहाँ पे सुकून देने वाली है इसलिए होना ही बंद हो गया है। खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, 8 बज गए हैं, दाल चावल और बनाऊंगी अरबी की भुजिया, साथ में लगाऊंगी 2-3 रोटी, जैसे कि हस्बैंड ने खा ली, एक मैंने खा ली, बड़ी बेटी ने खा ली, छोटी वाली तो चावल की दीवानी है तो वो चावल ही खा लेगी, स्टैंड ही नहीं लग रहा भाई कहीं पे। और जैसे हम लोग बैल बज रही है दोनों, फ्रेंच फ्राइज और मोमोस वाली सॉस, चिल्ली पोटैटो खाने का दिल कर रहा था तो भाई से मैंने बोला, जो हमारे स्टॉल पे चिल्ली पोटैटो, भाई से मैंने मंगवाए थे ये फ्रेंच फ्राइज और मोमोस वाली चटनी, चिली पटेटो बना के खाने का दिल है, वो कह रहा था मैं बना के भेज देता हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे स्पाइसी चाहिए और वो मैं अपने हाथ से ही बना के खाऊंगी, बस तू फ्राई कर दे और तो फिंगर्स मैं अपने आप बना लूंगी, ये ब्रेड सारी कर इस। हाँ और भूख लग रही है बहुत तेज, बहुत ज्यादा, तो पहले मैं कुछ खा लूंगी फिर ही मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। और पीऊंगी एक कप चाय ताकि आ जाए पूरी एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने रिफाइंड लिया है, फिंगर्स तो मेरे पास बने बनाए हैं, इसके अंदर डालूंगी मैं मोटे मोटे से प्याज, वैसे इसमें अलग तरीके से प्याज कटते हैं लेकिन जल्दबाजी थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है तो मैंने अपने जैसे तैसे भी काट दिए हैं। और इसमें डाली एक बड़ी शिमला मिर्च, प्याज भी काफ़ी बड़ा था और फ्रेंच के अकॉर्डिंग जो वेजिटेबल है वो ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों को वेजिटेबल्स इस टाइप की वेजिटेबल्स बहुत पसंद आती है, चाउमीन में हो जाए या फिर चिली पोटैटोस वगैरह में हो जाए तो बहुत पसंद आती है। अब मैं ये सॉस सारी डाल दूंगी, इस सॉस के अंदर सोया सॉस, अजीनोमोटो और वेनीगर्स, इस तरीके की सारी चीज़ें पड़ी हुई है तो मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा डालूंगी, थोड़ा सा बस इसमें नमक डालूंगी, लाल मिर्ची डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्ची डालूंगी, डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी जो कि कटोरी में सारा मसाला लगा हुआ है उसके लिए, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूंगी अपने चिली और जो हमारे चिल्ली पोटैटो वाले फिंगर से वो डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर चिल्ली आपके पास बनी बनाई है, पोटैटो आपके पास बने बनाए हैं तो आपके पास फटाफट से चिल्ली बन जाएगी, अदरवाइज़ पोटैटो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको डबल फ्राई करना पड़ता है।
तो रेडी है चिली पोटैटो और चाय। शाम का क्या, अब ये रात का ही है, 8:30 तो हो ही गए हैं, तो चलिए आप भी आ जाओ, एंजॉय कर लो। ये मम्मी से तीखे तीखे हैं। तो फ्रेंड्स रियली बताऊं, बहुत तेज वाली भूख लग रही थी, बहुत तेज वाली, जैसे पेट अंदर को नहीं जा रहा होता है कुछ इस तरीके का। मतलब जब काम कर रही थी तब इतना नहीं लग रहा था, जैसे काम करके हटे हैं ना उसके बाद, तो मैं नहा के आई हूँ, इतनी तेज भूख लग रही थी। और बेटी एक स्प्रिंग रोल भी लेके आई थी लेकिन वो कहाँ गया कुछ नहीं पता लगा। तभी मैंने कहा कि तू मेरे को फिंगर्स दे दे, मैं चटपटे से एकदम फ्रेंच फ्राइज बना लूँगी, वो बना लूँगी चिली पोटैटो। और सच में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, या तो भूख बहुत तेज लगी इसलिए लग रहे हैं, या तो सच में ही वो टेस्टी बने इसलिए लग रहे हैं। थोड़े से रख दिए अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनका भी आने का टाइम हो गया है, तो वो भी थोड़े बहुत खा लेंगे एक कप चाय के साथ, और उसके बाद तो फिर खाना खाना ही है। और चिली पोटैटो के साथ साथ हम देख रहे हैं अपने नए नए प्रोग्राम, जो कि अब नए एपिसोड आने लग गए हैं, दोनों का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि बस वो आने वाले ही हैं, तो कुछ सामान लेके आए हैं, जैसे डस्टबिन में लगाने वाली पॉलीथीन, मैं ब्लैक वाली नहीं लगाती हूँ, तो वही बेटी सैनिटाइज़र वगैरह कर रही है। वो अंदर ले आई थी तो बेटी डांट रही है कि पापा सीधा डायरेक्ट अंदर क्यों ले आए हो, आपको बोला है कूलर के ऊपर रख दिया करो। और इनकी फाट लगा रही हूँ मैं भी, क्योंकि रेंट के ऊपर कुछ बात हो रही है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। मेरे को भी जब मौका मिलता है ना रेंट के लिए, तो मैं इनको अच्छे से सुना डालती हूँ, क्योंकि एक गलती से ना आज हम रेंट पर रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।